गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, द पाठशाला चैनल में स्वागत। प्रश्नावली 14.3 का एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 8 को आज सॉल्व करेंगे, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित आंकड़ों का माध्यक 525 है, यदि बारंबारताओं का योग 100 है तो x और y का मान ज्ञात कीजिए। ये वर्ग अंतराल 0 से 100, 100 से 200, 200 से 300, 300 से 400, 400 से 500, 500 से 600, 600 से 700, 700 से 800, 800 से 900, 900 से 1000 दे दिया गया है। और बारंबारता 2, 5, x, x का मान निकालना है। यहाँ 12, 17, 20, y का भी मान निकालना है। 9, 7, 4 ये दिया हुआ। यहाँ तक आपका क्वेश्चन हुआ। यहाँ से हल स्टार्ट होगा, जो कि वर्ग अंतराल वही लिखना है और बारंबारता जो दिया हुआ उसको लिख दिया गया है। यहाँ तक तो स्पष्ट है। अब माध्यिका से संबंधित प्रश्न है ये, तो संचयी बारंबारता निकालना पड़ेगा, जो कि संचयी बारंबारता जिसको हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। ठीक है, तो कैसे निकालते हैं संचयी बारंबारता? पहला वाला तो बारंबारता यही उतर जाएगा। ठीक है, इसके बाद पहला यही हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 5 को जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा, 7 में फिर x को जोड़ेंगे तो 7 प्लस x कर देंगे, अंक वाले को अंक वाले के साथ जोड़ेंगे। ठीक है, 7 में फिर 12 को जोड़ेंगे तो 19 प्लस x हो जाएगा, ये बिल्कुल स्पष्ट है। 17 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 36 प्लस x हो जाएगा। फिर इसमें क्या, अगर 20 को जोड़ेंगे फिर इसमें तो क्या हो जाएगा, 56 प्लस x हो जाएगा। फिर इसमें y को जोड़ेंगे तो 56 और x भी x है तो y भी जुड़ जाएगा, y भी आ गया इसमें। इसके बाद 9 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 65 आ जाएगा, नहीं 65 प्लस x प्लस y आ जाएगा। यहाँ तक स्पष्ट है। फिर 7 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 72 प्लस x प्लस y हो जाएगा। और फिर 4 को जोड़ेंगे तो आपको हो जाएगा 76 प्लस x प्लस y। यहाँ तक तो संचयी बारंबारता को तैयार कर लिया गया। देखिए अब इसमें देखना है ये कि n बराबर आपको दे दिया गया है बारंबारताओं का 100। तो प्रश्न में दिया है ना, ये आंसर ही है। ये प्रश्न में क्या दिया, प्रश्न से n बराबर आपको दे दिया गया, कितना, n बराबर 100 दे दिया गया। तो इसीलिए क्या हो जाएगा, ये जो सबों का जोड़ ये है तो इसके बराबर 100 हो जाएगा ना। तो कितना हो जाएगा, 76 प्लस x प्लस y बराबर आपको 100 हो गया। तो इससे आप निकाल सकते हैं x प्लस y बराबर, ऐसे कर लेते हैं एक बार, x प्लस y बराबर क्या होगा, 100 घटा ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। यहाँ तक तो स्पष्ट है। इसीलिए x प्लस y बराबर कितना निकल गया आपका, निकालेंगे x 100 में से 76 घटाएंगे ना, 100 में से कितना घटाएंगे, 76 को घटाएंगे, सॉरी। तो यहाँ पर घट के आएगा आपका 24, जो कि समीकरण 1 मान लिया गया। ये यहाँ तक देखिए, समीकरण 1 तो मालूम हो गया। अब हमें क्या करना है, माध्यिका आपको दे दिया गया है 525, लिखेंगे माध्यिका 525 दिया गया है। ठीक है, अतः
माधिका का वर्ग, अतः माधिका, माधिका का वर्ग, देखिए माधिका का वर्ग 525 है, देखते हैं इसमें माधिका का वर्ग आपका आ जाएगा, इसमें आ जाएगा, देखिए किसमें, इसमें आएगा, ये 500 से 600 में आ जाएगा, ठीक है ना। इसलिए माधिका का वर्ग 500 से 600, 500 to 600 हो, अतः माधिका का वर्ग 500 से 600 होगा, होगा। जब आपका माधिका का वर्ग, जब आपका माधिका का वर्ग अगर मालूम हो जाता है तो बहुत सारा इंफॉर्मेशन मिलता है, क्या क्या, L बराबर, L बराबर क्या होता है, तो माधिका वर्ग की निम्न सीमा तो 500 हो जाएगा, n by 2 बराबर कितना, n है आपका 100, तो आधा कर लेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। इसके बाद n by 2 हो गया, इसके बाद CF क्या होता है, CF बराबर कितना होगा, देखिए माधिका वर्ग पर आइए, इसके ठीक ऊपर वाला होता है आपका CF, ये हो जाएगा आपका CF, ठीक है, और इसके ठीक सामने वाला स्मॉल f हो जाता है, बस इतना ही बात को जानना है। तो CF बराबर कितना हो गया, 36 प्लस एक्स, यहाँ से लिख देते हैं, चलिए लिखिए CF बराबर 36 प्लस एक्स, देखिए एक बार, और f बराबर 20 और h बराबर 100 आ जाएगा, क्योंकि माधिका वर्ग की लंबाई ही h कहलाता है, तो 100 हो जाएगा, ठीक है। ये ऐसा इसीलिए लिखे हैं क्योंकि हमें माधिका दिया हुआ है, तो माधिका बराबर लिखेंगे सूत्र से, आप लिख सकते सूत्र से क्या होगा, माधिका को m से सूचित किया जाता है, माधिका बराबर क्या हो जाएगा, l प्लस n by 2 माइनस CF बट्टे स्मॉल f इंटू h, ये तो आपका फॉर्मूला हो गया। अब क्या करेंगे, जो बात मालूम है उसको लिखना है केवल, देखिए माधिका दिया कितना, माधिका आपको 525 दे दिया गया है, 525 बराबर L आपको दे दिया गया 500, ठीक है, और n by 2 50 दे दिया गया है, 50 घटा CF बराबर दे दिया गया है 36 प्लस x, लेकिन यहाँ पर क्या है, n by 2 माइनस है, तो माइनस दिए यहाँ, और CF 36 माइनस एक्स हो जाएगा, यही बात को ध्यान रखना, 36 माइनस एक्स अब बट्टा में 20, इसको घेर के 100 लगा लेना है। देखिए एक बार, अब ऊपर से कर लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। देखिए अब क्या होगा, 525 है ना, 525, और इसको इधर बराबर के इधर लेंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो हो जाएगा 500 बराबर, ये आपका 50 में से 36 जाएगा तो हो जाएगा 14, अब माइनस का x, ठीक है, माइनस का x, अब बट्टा में आ जाएगा 20, अब गुना 100 है, ये 100 है, कितना है 100, और ये कटेगा 20 से, 20 पंचे 100, 5 से कट जाएगा, और 5 से 14 माइनस x में 5 से क्या होगा, मल्टीप्लाई भी हो जाएगा, तो की कर लेते हैं, देखिए 525 अब घटा के ही लिख लेते हैं, कितना होगा, 525 में से 500 जाएगा तो 25 आएगा, और ये 5 से गुणा करेंगे तो 14 पंचे 70, अब माइनस का 5x, यहाँ तक स्पष्ट है,
अब क्या करेंगे, देखिए अब आसान हो गया, बिल्कुल आसान हो गया। 5x को इधर ले आते हैं, ले आए 5x माइनस में तो प्लस में आ गया, बराबर 70 तो है ही, इसको उधर करेंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो कितना हो गया 5x बराबर हो गया, इसको घटाएंगे तो 45 होगा, इसीलिए x बराबर क्या हो जाएगा 45 बाई, ये गुना करता है तो ये भाग देगा यहाँ पर 5, 5 9 जा 45, यानी 9 निकला, कितना निकला 9 निकला। एक बार देखिए 9 निकला। अब क्या करना कि समीकरण एक में, क्या चीज में, समीकरण एक में, समीकरण एक में x का मान रखने पर, समीकरण एक क्या है रखने पर, x प्लस y बराबर 24, देखिए यहाँ पर x प्लस y बराबर 24, तो x का मान आप निकाले कितना 9, प्लस y तो ऐसे ही रहेगा बराबर 24, इसीलिए y बराबर 24 माइनस 9 बराबर का हो जाएगा 15, ठीक है। तो y का मान निकला 15, कितना निकला y का मान निकला 15, लिख देंगे अतः इसमें इसमें x बराबर 9 और y बराबर 15, यही दोनों आपका आंसर हो गया, फाइनल आंसर हो गया। इस प्रकार से ये क्वेश्चन को सॉल्व किए, मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, टेक केयर।